नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। नगर निगम की महापौर नूतन राठौर द्वारा आज मंगलवार को नगर निगम के विभिन्न वार्डों में कई जगहों पर किया गया भूमि पूजन, जिसमें वार्ड नंबर 3 रायपुरा रोड स्थित सती आश्रम में अंत्योष्टि स्थल का सुंदरीकरण, वॉल मरम्मत, मिट्टी भराई, रंगाई आदि कार्य 18 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। बता दें, स्थिति अमर शहीद कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ द्वार के पास शहीद चौक एवं अमर शहीद देवेश मूर्ति स्थापित का कार्य लगभग 14 लाख की लागत से किया जाएगा। वार्ड नंबर 35 द्वारा दिलीप यादव के घर से लेकर सुधीर यादव एडवोकेट वाली गली होते हुए मंदिर तक का निर्माण कार्य के लिए आधारशिला नारियल फोड़कर रखी, जहां 8 लाख रुपए की लागत से कार्य होगा। साथ ही साथ वार्ड नंबर 13 विभव नगर सड़कों के बराबर में नाली एवं साइड से इंटरलॉकिंग के कार्य की शुरुआत 16 लाख रुपए की लागत से नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ किया गया। महापौर नूतन राठौर ने बताया कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए। ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए गए हैं। कार्य सही से ढंग से मानक के अनुरूप होना चाहिए। कहीं भी गलत कार्य होता मिला तो संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। इधर इधर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है, और जिसमें जैसा कि अभी आप हैं विभव नगर में, यहाँ पर जो हमारा टंकी वाला पार्क है, वहाँ से लेकर मुंशी महाराज होते हुए पुलिस चौकी होते हुए जिस पार्क पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ तक दोनों रोड के दोनों साइड की साइड पटरी का निर्माण कार्य होना है, जिसकी लागत लगभग 16 लाख रुपये है। और साथ ही इससे पूर्व हमने नगला भाऊ में एक सड़क का शिलान्यास किया, इंटरलॉकिंग सड़क बनाई जाएगी, और जिसकी कुल लागत लगभग 8 लाख रुपए है। तो इस प्रकार विभिन्न कार्य पूरे शहर में विकास के किए जा रहे हैं, और मुझे लगता है जब ये कार्य हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्य हैं हमारे निगम के, करीब 300-400 जो कार्य हैं वो अभी और लगने बाकी हैं, तो इसके बाद एक जो विकास कार्य अभी तक हुआ और जो होने वाला है, जो गैप है उसकी भरपाई होनी है, तो बहुत अच्छा विकास कार्य बहुत तेज़ी से कराया जाना है। नगर निगम के सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी विकास कार्यों को तेजी से पूर्ण कराकर संपन्न करें। देखते हैं कि अमर शहीद देवेश जी का जो द्वार और जो प्रतिमा यहाँ पर लगी है, रहना बोर्ड है, तो आज जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर एक शहीद चौक के नाम से एक चौक डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे मेरे जस्ट, यहाँ पर एक फाउंडेशन बनाया जाएगा जिसके ऊपर देवेश कोलश्रेष्ठ जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, और उसको नाम दिया जाएगा इस जगह को शहीद चौक देवेश कोलश्रेष्ठ के नाम से। तो आज इस कार्य का हमने शिलान्यास किया है, इसका जीर्णोद्धार का काम आज से शुरू हो जाएगा। इसकी लागत लगभग 14 लाख रुपये है।